भैया सबसे पहले प्रूफ देखो, यहाँ पर देखो मैंने वीडियो अपलोड किया है इसी प्रकार से, और एक दो वीडियो के बाद मेरे वीडियो वायरल जा रहे हैं, हर वीडियो जा रहे हैं यार भाई, एक दो वीडियो को छोड़ छोड़ कर वायरल जा रहे हैं। तो यार भाई अगर ये स्ट्रेटजी जो इस वीडियो में बताऊँगा अगर आप फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपका भी इसी प्रकार से वीडियो वायरल जाएगा। चलो यार भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले अपना यूट्यूब को ओपन कर लेना है, उसके बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके अपलोड ए वीडियो पर क्लिक करना। तो अपना शॉर्ट वीडियो सबसे पहले अच्छा साइज में शॉर्ट साइड में और अच्छे से एडिटिंग वगैरह कर लेना। तो यहाँ पर देख सकते हो एक मैंने एडिटिंग करके रखा है। उसके बाद यार भाई सिंपली नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो, टेक्स्ट वगैरह लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना एक अच्छा सा टाइटल देना है जो आपको अच्छा लगे, जो वीडियो से रिलेटेड हो। ओके तो उसके बाद क्या करना है ये बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं अपना टाइटल दे देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद अपना आप भी इसी प्रकार से अच्छा से टाइटल वगैरह डाल देना। ओके अपना शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड टाइटल डाल देना है। उसके बाद इमोजी विमोजी लगा देना, जैसे कि मैंने ये अच्छा से टाइटल लिख दिया। उसके बाद शॉर्ट्स हैशटैग जो है हैशटैग शॉर्ट्स लगा देना। उसके बाद और भी आप चाहो तो और हैशटैग लगा सकते हो, बट हैशटैग शॉर्ट्स जरूर सबसे पहले लगा देना। ओके उसके बाद यार हैशटैग लगा देने के बाद सेलेक्ट ऑडियंस पर आकर नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पर टिक लगा देना, और यहाँ पर भी नीचे वाला 18 ईयर्स ओवर पर लगा देना। ओके उसके बाद अपलोड शॉर्ट्स पर सिंपली अनलिस्टेड पर क्लिक करके अपलोड शॉर्ट्स कर देना है। ओके प्राइवेट या अनलिस्टेड में वीडियो अपलोड कर देना। ओके तो वीडियो अपलोड हो जाने के बाद, जैसे कि हो जाने के बाद अपना YT स्टूडियो ओपन कर लेना। मेरा हो गया, अब कॉन्टेंट के अंदर शॉर्ट्स के अंदर आ जाता हूँ जो मैंने अभी अपलोड किया था। यह वीडियो देख सकते हो फर्स्ट में अभी अनलिस्टेड पर है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके अपना वीडियो एडिट करना है, जैसे कि मैं यहाँ एडिट कर रहा हूँ। जो पूरा टाइटल कॉपी करना है जैसे कि मैंने कॉपी किया, उसके बाद एडिट डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से वही पेस्ट कर देना है पूरा टाइटल को। ओके पूरा टाइटल को यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद शॉर्ट्स लिख देना है और 10 हैशटैग लगा देना है वीडियो से रिलेटेड अपना। ओके तो यहाँ पर मैं 10 हैशटैग कम से कम लगा देता हूँ, आपको भी 10 लगा देना है जो आपके हिसाब से हो, और चैनल वाला अपना हैशटैग जरूर लगा देना। और यहाँ पर नीचे में कैटेगरी लिख देना, गेमिंग और फ्री फायर लिख देना। ओके जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर से बैक कर लेना है और टैक्स के अंदर आ जाना है, और यहाँ पर टैक्स पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट्स लिखना है शॉर्ट्स। ओके शॉर्ट्स लिख कर टैग लगा देना। ओके और भी यहाँ पर फ्री फायर जैसे कि जिससे रिलेटेड है वीडियो आपका, वो टैग लगा देना है, 5-10 टैग लगा देना, और अपना टाइटल जो है अपना वीडियो का वो भी यहाँ पर टैग लगा देना है। और YT शॉर्ट्स ऐसे, YouTube शॉर्ट्स, वायरल शॉर्ट्स ऐसे, और भी टैग्स आपको लगा देना है, जैसे कि 5-10 लगा देना, कम से कम 10 टैग्स लगा देना, बट सबसे पहले शॉर्ट्स लिख देना। उसके बाद वीडियो को पब्लिक कर देना है और यहाँ पर सेव पर सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद यार भाई अगर आप 5 वीडियो अपलोड करेंगे तो गारंटी मैं बोल सकता हूँ एक वीडियो आपका वायरल जरूर जाएगा। और ये वीडियो का प्रूफ मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा।